बेसिक में सब धर्मों का आधार हो गया। बीज और जड़ दोनों आपस में मिलकर के जब कार्य करते हैं तभी कार्य संपन्न होता है। आधार माने कन्याएं माताएं, बीज अर्थात बाप, माता भी चाहिए और बीज भी चाहिए। और गीता जो है, गीता पति भगवान श्री कृष्ण के नाम पढ़ने से दुनिया जो है नीचे गिरी। और बाबा एक तरफ ये भी कहते हैं कि शास्त्रों में जो भी कृष्ण का गायन है वो तो संगम ही कृष्ण का, तो जो शास्त्रों में जो गीता को, गीता पति भगवान जो कृष्ण को कहा है वो संगम ही कृष्ण भी हो सकते हैं ना। जो संगम भी कृष्ण का नाम पड़ता है वो भी किसकी प्रवेशता के आधार पर संगम भी कृष्ण नाम हुआ? वो कौन सी आत्मा प्रवेश करती है जो कृष्ण कहा जाता है? दादा लेखराज कृष्ण की आत्मा प्रवेश करती है। लेकिन बाबा ने ये भी कहा है कि संगम भी कृष्ण जब कहा जाता है तो वो पाठ बजाने वाली आत्मा तो शिव होती है, ये भी मुरली में कहा है। संगम भी कृष्ण अलग बात, संगम भी कृष्ण ही बड़ा होकर के नारायण बनता है। जो नारायण है वो शिव नहीं है, शिव अलग है और नारायण अलग है। लेकिन साकार में गीता पति भगवान तो वो साकार को ही कहा जाता है। जब नारायण बन जाता है तब वो शिव नहीं कहा जाता। और हाँ जी, जो बीज रूप आत्माएं हैं उन बीज रूप आत्माओं में दूसरे दूसरे धर्म का जिनके ऊपर छिलका चढ़ा हुआ है बीजों में, वो कम पुरुषार्थ वाले होंगे या संपन्न पुरुषार्थ वाले होंगे, प्रवृत्ति मार्ग के पुरुषार्थी होंगे या निवृत्ति मार्ग के पुरुषार्थी होंगे, कौन होंगे? बाबा ने दूसरे माला की तरफ एक कैसेट में इशारा किया है कि दूसरे माला के मंत्र जो होते हैं विजय माला के मंत्रों के लिए बोला है पुण्यात्मा और विजय दूसरे माला के मंत्रों के लिए पापात्मा बोला हुआ है। ठीक है, पुण्यात होगा तब तो सब 4.5 लाख जो है वो तो संपन्न हो जाएंगे, फिर पापात्मा सब एक साथ संपन्न हो जाएंगे या कोई लास्ट में संपन्न बनेंगे और कोई पहले से संपन्न हो जाएंगे? आधे आधे बोला हुआ है तो आधे का मतलब, आधे का मतलब यही कि जो बीज हैं उन बीजों में कोई कोई बीज ऐसे हैं जो विधर्मियों के बीज हैं और कन्वर्ट होने वाले जल्दी नहीं है। जो चंद्रवंशी हैं और सूर्यवंशी हैं वो जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। एक है लंबे समय का पुरुषार्थी जीवन और एक है लास्ट समय का पुरुषार्थी जीवन, ज्यादा ताकत किसमें रहेगी? जो लंबे समय का पुरुषार्थी जीवन होगा उसमें ज्यादा ताकत होगी और जो लास्ट में समझेगा, लास्ट में अपने देह अभिमान के छिलके को उतार पाएगा उसकी ताकत कम हो गई। इसलिए विनाश की विभीषिका को वहन नहीं कर सकेगा। और बाप की याद में रहेंगे तो वो मरेंगे या नहीं मरेंगे? कौन से बाप की याद? साकार का। हाँ, जो साकार बाप की याद में रहेंगे तो साकार में रहेंगे और बिंदु बाप की याद में रहेंगे तो जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट निराकार को याद करते हैं ऐसे वो भी लोग हो जाएंगे। बाबा ने बोला है कि बाप की याद में जो मरेंगे उनका जन्म भी वैसा ही होगा, तो अगर बाप की याद में है तो मरने का तो सवाल ही नहीं है। वो जीते जी मरेंगे, बाप जीते जी मरता है या दुनियावी मौत मरता है। लेकिन बाप की याद है तो निश्चय अनिश्चय की स्टेज कैसे है कि अगर बाप की याद लास्ट तक सही में है तो? सही में है तब ना। और हाँ जी, अर्ध विनाश हुआ था उसका कोई क्या रेफरेंस वगैरह? 2500 साल पहले की कोई हिस्ट्री बता दे। हिस्ट्री है, अगर कोई प्रूफ है 2500 साल पहले का तो माना जाएगा कि विनाश नहीं हुआ।
और कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो क्या माना जाएगा कि विनाश हुआ और सारी हिस्ट्री लोप हो गई? लेकिन इतनी बड़ी घटना है तो कुछ तो होना चाहिए। हो गया ना, कुछ तो रेफरेंस होना चाहिए। इब्राहिम से पहले की कोई भी बात कोई बताए, कोई हिस्ट्री बताए? वो तो सत्युग्रता की बात है। अब वो सत्युग्रता वही तो 2500 साल पहले की बात है ना, उसके बाद तो फिर विनाश हो गया, उसके बाद विनाश हो गया तो सारी हिस्ट्री लोप हो गई। बाबा कहते हैं द्वारका जी समुद्र में चली गई। द्वारका जी समुद्र में चली गई। द्वारिका समुद्र में चली गई। हाँ, समुद्र के नीचे चली गई। क्यों चली गई? क्यों उसका पतन हुआ? क्योंकि दो अरिका थी, अब द्वैत नहीं थी। 2500 साल पहले। हाँ जी, वो एक बड़ा प्रूफ हो गया। हाँ जी, नहीं वो तो शास्त्रों की बात है। रुद्रमाला के मन के जो है वो सब पुरुषात्मा है, अर्थात नारायण बनने का पुरुषार्थ करते हैं। हाँ जी, तो जितने भी स्त्री चोलाधारी आत्माएं हैं बाबा, तो उनको अपना ऑर्गन चेंज करना पड़ेगा। बाबा ने कहा है एक तरफ कि रुद्रमाला की जो स्त्री चोलाधारी आत्मा है वो अपने ऑर्गन चेंज करके नर से नारायण बनेंगे, नारायण बनेंगे, ठीक है। और एक तरफ ये भी कहा है जो स्त्री चोलाधारी आत्मा है वो अपने स्त्री चोला का लज्जा नहीं रखती, लाज नहीं रखती, उनको शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो बातें होती है बाबा, कि रुद्रमाला के मंत्रों के जितने भी आत्मा है वो दो हिस्से में बटती है। एक वो हिस्सा जो अपनी इसी चोले को परिवर्तित करती है नारायण में, और दूसरा हिस्सा ऐसा जो शरीर छोड़ती है। तो जगदम्बा किस कैटेगरी में बाबा? यज्ञ के आदि में जो सूर्यवंशी थे वो सूर्यवंशी ही, ये पक्का है कि सतयुग में रहेंगे या कोई दूसरे वंश के होंगे? सूर्यवंशी ही रहेंगे। और जो दूसरे दूसरे वंश में कन्वर्ट हो गए, जिनमें कन्वर्शन होने की सिफ्त भरी हुई है, तो वो दूसरों के प्रभाव में आ गए या नहीं आ गए? हैं? आ गए। चाहे ब्रह्मा के प्रभाव में आए तो भी प्रभावित कहे जाएंगे, चाहे उसके बाद कोई इस्लामी आत्मा आई और वो यज्ञ में आज भी कंट्रोल कर रही है, उसके प्रभाव में आ गए तो वो भी कन्वर्टेड कहे जाएंगे। सारी शूटिंग अभी हो रही है, तो जो जो कन्वर्शन वाले हैं, प्रभावित होने वाले हैं औरों से, एक बाप को छोड़ करके, वो नई सृष्टि में रहने योग्य हैं या नहीं है? नहीं है। जगदम्बा हाय मेरी अम्मा, ब्रह्मा कुमारियां भी ये कहते कहते मरे जा रही है, हाय मेरा ब्रह्मा, हाय मेरी अम्मा। तो उनके बीज कोई एडवांस पार्टी में भी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बाबा वो बात नहीं है। अच्छा ये बात सही नहीं, जगदम्बा जो है वो भी तो प्रभाव में जाती है ना। हम कहाँ कहते हैं प्रभाव में नहीं जाती है, इसका मतलब वो भी नई दुनिया में नहीं रहेगी। अगर बीज में नहीं होगी कमी तो बाहर की दुनिया में कमी कहाँ से आ जाएगी? बीज अगर कन्वर्टेड होंगे तो बाहर की दुनिया में भी कन्वर्शन होगा, और बीजों में कन्वर्शन नहीं होगा तो बाहर की दुनिया में भी कन्वर्शन। तो बाबा ने कहा है बड़े से बड़े पापात्मा देखना हो तो यहाँ देखो, और बड़े से बड़े पुण्यात्मा देखना हो तो यहाँ देखो। बाबा पद तो ध्रुव है, एक तो आठवा वो ठीक है, लेकिन वो इसी चोले से स्वर्ग जाती है क्या? चोला तो बदलेगा ना। चोला बदलेगा कैसे? फूल में शरीर छोड़कर या परिवर्तन करेंगे ऑर्गन का? देखो जिसमें पुरुष वृत्ति के संस्कार होंगे, या आज की दुनिया में भी जिनमें पुरुष वृत्ति के संस्कार ज्यादा होते हैं लेकिन चोला स्त्री का होता है, तो उनके हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं कि नहीं? हो रहे हैं ना। तो ऐसे यहाँ भी जिनमें कंट्रोलिंग पावर पुरुषों की पुरुष वृत्ति ज्यादा होगी, उनके अपने ऑर्गन्स लास्ट में चेंज हो जाएंगे। फिर वो बात कैसे लागू होगी कि जो स्त्री चोला का लाज नहीं रखते उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा? इसीलिए तो ये लाज रखने वाली बात है ना।
कंट्रोल करना लाज रखने वाली बात कहाँ है? ये कंट्रोल करना ये बात है कि स्त्री चोला है और स्त्री चोला आज के संसार में मौजूद है। आज का संसार ऐसा है कि स्त्री अपनी कम उम्र की एज में चौराहे पर अपना जीवन रह करके नहीं बिता सकती, उसको कोई न कोई पुरुष के कंट्रोल में चलना ही पड़े। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ बाप की बात आती है, कोई की बात आती नहीं है ना? सबकी बात, सब पुरुषार्थ सबके लिए एक जैसा है। लेकिन बंधन तो हमको बाप से बंधाना है ना बाबा? बाप का बंधन तो बाप के जैसा ऑर्डर हो वैसा मानना पड़े। लेकिन नहीं मान रही ना बाबा? अगर नहीं मानता है तो भूलते तो फिर लाज में नहीं है ना बाबा? लाज नहीं रख रही है? हाँ, नहीं लाज रख रही है तो नंगी टांगे लेकर के नाच नाचे संसार में, मुंह क्यों पूछ रहे? है देखो, महाकाली के भी पुजारी होते हैं और महागौरी के भी पुजारी होते हैं। लेकिन बाबा महत्व तो बाप को महागौरी के पुजारियों को देंगे ना? नहीं, बाप तो उसको महत्व देगा जो आगे कदम बढ़ा के हिम्मत करके पहले बाप की मदद देगा। बाप उसको अंत तक सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है। बाबा अंत तक सहयोग देना, हाँ, और शुरू में सहयोग देके बाद में छोड़ना, इसमें बाप ने कभी नहीं छोड़ा। बाप की नहीं बात कर रहा हूँ, कोई साबित नहीं कर सकता कि बाप ने छोड़ा। बाप की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी ये तो बच्चे कहते हैं कि बाबा ने हमें छोड़ दिया। बाप कहते हैं बाप बच्चों को कब नहीं छोड़ेंगे, बच्चे खुद ही चले जाते हैं। बच्चे जो है बाबा दो क्वालिटी के हैं, एक शुरुआत में सहयोग देते हैं बाद में छोड़ देते हैं, हाँ। और एक है अंत तक सहयोग देते हैं, हाँ। तो इसमें श्रेष्ठ कौन है? सूर्यन भी, वो जो अंत तक सहयोग देंगे। बिल्कुल, मतलब जो शुरुआत में भले निमित्त बने, हाँ। लेकिन उसके बाद छोड़ चली गई, हाँ। वो आत्मा अच्छी या माँ गौरी अच्छी जो अंत तक सहयोग देगी, अंत में जब आएगी तब? वो तो अभी आई ही नहीं ना, जब आती है लेकिन अंत तक सहयोग देगी तो फिर श्रेष्ठ तो माँ गौरी हो गई। हाँ, इसीलिए तो लक्ष्मी बनने का लक्ष्य दिया है न कि महाकाली बनने का लक्ष्य दिया है। जगदम्बा बनने का लक्ष्य है या नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य है? लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य अगर छूट गया और अपने देहवान में आ जाए तो क्या कहा जाए? तो यहाँ पर जो रुद्रमाला के मन के जो है जगदम्बा की बात करें तो वो जो है लक्ष्मी का पार्ट बजाना चाहिए, हाँ? लक्ष्मी अर्थात एक ही नारायण को ही अपना सर्वस्व समझे, हाँ जी, यही बात है ना बाबा? हाँ जी, क्योंकि वहाँ पर वो फेल होती है, हाँ जी, आपको अपना नहीं मानती, किसी और के प्रभाव बच्चों को भी अपना मान लेती है, बच्चों को ही अपना मानती है, बच्चा भी अपना पति हो जाता है, तो ये तो गड़बड़ हो गई ना। और क्या है, यही तो माता पूछ रही थी अभी, अंतर क्या है दोनों? हाँ, तो बात वही है बाबा, इसके बावजूद भी वो स्वर्ग जाती है इसी चोले से। इसी चोले से स्वर्ग जाती है किसने कहा? परिवर्तन क्या? ब्रह्मा ही अपने चोले से स्वर्ग में नहीं गया? ब्रह्मा स्वर्ग में गया? नहीं गया। तो जगदम्बा मुरली में बोला है वास्तव में ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है, बोला है कि नहीं? तो ब्रह्मा ही जब जगदम्बा हो गई और वो भी स्वर्ग में नहीं जाता चोले से वही स्वर्ग में जाएगा जो श्रीमत पर चलेगा। सदगुरु निंदक और न पावे। सिख धर्मों में जगदम्बा का राज करेगा खालसा इस रूप से गायन होता है ना? हाँ जी, हाँ जी, सिर्फ सिख धर्म में। हाँ, सिर्फ सिख धर्म में। हाँ। और सिख धर्म में तलवार को मान्यता दी जाती है। क्या? तलवार को बाबा ने बोला एक कन्या है और माता जो है ढाल है। जगदम्बा माता है और उनका वहाँ पे राज करेगा खालसा का गायन है, तो तलवार का मान्यता क्यों है बाबा? तलवार की मान्यता इसलिए है कि वो तलवार मुसलमानों को भी सपोर्ट करती है। मुसलमान किस आधार पर कन्वर्शन करते हैं? तलवार के आधार पर कन्वर्शन करते हैं। नहीं, लेकिन फिर वो तो कन्या हो गई ना कोई? हाँ, जो भी देवियाँ होती है वो सब कन्याएं होती है। फिर ढाल का महत्व उनमें नहीं है ना बाबा? लेकिन वो दुनिया की बड़े से बड़ी ढाल भी बनती है, अगर ढाल ना बने तो सारे विश्व पर राज्य भी नहीं कर सकती, फिर अपनी कंट्रोल अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएगी। अनुभवी भी होनी चाहिए, अगर माता टाइटल है
तो माताओं में सबसे ज्यादा अनुभवी कौन होना चाहिए? हैं? जगदम्बा सबसे जास्ती अनुभवी होनी चाहिए। उससे बड़ी ढाल और कौन होगी फिर? और ढाल बनकर के कन्याओं की सेफ्टी करेगी तो सारे विश्व के ऊपर राजी करेगी। यही तो बाप चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? और हाथ उठा, कौन कहाँ बोल रहा? कौन? हाँ जाना पड़ेगा, मैंने बहुत मजबूरी हो गई है, जाना चाहिए। हाँ तो बताया चंडीगढ़ जाना चाहिए। ये कहाँ कहा कि चंडीगढ़ जाना चाहिए? अच्छा, क्यों नहीं कहा? इसलिए कहा कि माउंट आबू जो है वो आज से लेकर के अंत तक ऐसी धरणी है जहाँ भगवान का विशेष कार्य चला है। उसको महामधुवन कहा जाएगा, औरों को मिनी मधुवन कहा जाएगा। माने थोड़ा कार्य वहाँ होता है और बड़ा कार्य वहाँ होता है। तो ये नहीं कहा चंडीगढ़ जाना चाहिए या कंपिल जाना चाहिए, फरक्काबाद जाना चाहिए। अंत में सब कहाँ जावेंगे? घर जावेंगे, आबू अब्बा के घर है। चंडीगढ़ तो चंडी का गढ़ है, वहां जाने के लिए क्यों बोलेंगे? हाँ बाबा, अभी बीके और सीबीके की संख्या करीब 2-3 लाख तक है। बीके और सीबीके दोनों? हाँ मिलके। और अभी 9 लाख बनने हैं, पुरुषार्थ के लिए बहुत समय कम है, अभी 9 लाख कब बनेंगे? पहले राजा बनेंगे कि पहले प्रजा बनेगी? रोला तो चमकेंगे ना दुनिया में। हाँ हाँ चमकेंगे, लेकिन वो प्रजा क्वालिटी है या उसमें राजा क्वालिटी भी है? सब प्रजा भी है। प्रजा भी है? नहीं, सारी प्रजा ही प्रजा है। राजा क्वालिटी उसमें चमकने वाले श्रेष्ठ ग्रह बहुत कम है। सितारे होते हैं ना, कोई सितारे होते हैं चिमचिमाते हैं, अपनी रोशनी फेंकते हैं, और कोई ऐसे होते हैं जो चिमचिमाते नहीं है, उन्हें अपनी रोशनी नहीं होती, उन्होंने अपना मनन चिंतन मंथन नहीं किया है। तो प्रजा वर्ग की आत्माएं बहुत हैं और राजा वर्ग की आत्माएं बहुत थोड़ी हैं। राजाएं तैयार हो जाएंगे तो उनको फॉलो करने वाली प्रजा भी देखने में आवेगी कि ये इनको फॉलो कर रहे हैं, ये इनको फॉलो कर रहे हैं। और वो ब्रह्मा के झोले कृष्णवंशी का बीज है, चंद्रवंशी ब्रह्मा के झोले है, चंद्रवंशी है, चंद्रवंशी का बीज है। एक है चंद्रमा, एक है सूर्य और एक है पृथ्वी। जो भी जीवड़े हैं, जीवन जीने वाले, उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? एक तो सूर्य का, दूसरा चंद्रमा का, और पृथ्वी के प्रभाव से भी प्रभावित रहते हैं। तो पृथ्वी है जगदम्बा, चंद्रमा है उसका उपग्रह, बच्चा। बच्चा काहे से पैदा होता है? माँ से पैदा होता है। मांस मज्जा हड्डी वगैरह ज्यादा तंतु जो है वो माता का आता है या बाप का आता है? शरीर का ज्यादा तंतु माता का आता है। तो चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है। तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा हो गया बच्चा, पृथ्वी हो गई माता, और सूर्य हो गया बाप। आप जोर से बोलिए ना। हाँ रूहानी बाप, जगत पिता जगदम्बा में दोनों में अर्ध चंद्रमा कृष्ण की आत्मा प्रवेश करती है, तो दोनों संपूर्ण तो नहीं हुए ना? संपूर्ण तो नहीं कहेंगे ना जगत पिता जगदम्बा?
लेकिन जगदम्बा में ज्ञान सूर्य शिव प्रवेश करता है आदि से अंत तक, या सिर्फ ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है? है कौन प्रवेश करता है? ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है। तुम बच्चों में मम्मा बाबा आते हैं, मेरा तो एक ही मुकर्रर रथ है, कोई कह नहीं सकता कि मेरे अंदर शिव बाप आया। कब आता है, कब चला जाता है, पता ही नहीं चलता। एक के लिए प्रूफ मिलेंगे, अनेक प्रूफ मिलेंगे, लेकिन औरों के लिए कोई प्रूफ मिलेगा नहीं। हाँ, बच्चों को ईश्वरीय सेवा में सहयोग देने के लिए अगर बच्चे हिम्मत करते हैं सेवा करने के लिए, जिसकी सेवा करते हैं वो ज्यादा होशियार है और समझाने वाला बच्चा बुद्धू है, तो बाप उसमें प्रवेश कर सकते हैं। प्रवेश करके दृष्टि की पावर देंगे, वाइब्रेशन की पावर देंगे और वाचा की भी पावर देंगे, और उस आत्मा को उठाना होगा तो उठा लेंगे। और कोई समझ में आया? प्रवेश तो करती है, लेकिन दोनों आत्माओं के सिद्धांतों में संघर्ष चलता है या संघर्ष खत्म हो जाता है? संघर्ष चलता है, उसमें माँ पूरी प्रभावित हो जाती है और बाप प्रभावित नहीं होता, इसलिए अंतर पड़ जाता है। तो बाप को माँ को अपने साथ रखना चाहिए। कोई भी माता उसका पति उसको अपने साथ रखने के लिए तैयार हो और वो नहीं रहती हो, इधर उधर भागती हो, तो बाप क्या करेगा बेचारा? बराबर बात है ना, नाराज नहीं होना चाहिए। तो बाबा आपने बताया कि मंदिरों में यादगार की बनी हुई है, है जी हाँ जी, शिवलिंग तो सुप्रीम सोल की यादगार बनी हुई है। सुप्रीम सोल की यादगार है? आप बता कितनी पढ़ाई पढ़ पाई? सुप्रीम सोल का प्रवेश है, सुप्रीम सोल बिंदु है, उसमें शिवलिंग है साकार, तो बिना उनके तो कुछ प्रवृत्ति। हाँ, वो आकर के उसमें साकार में निराकार बनता है, प्रैक्टिकल में देखने में आता है। सारी दुनिया में प्रत्यक्षता तब होगी जब बाप निराकारी स्टेज में, अव्यक्त स्टेज में सारे संसार को देखने में आवेगा, उसको कहते हैं शिवलिंग। और जलाधारी किस माता की यादगार? अभी तक पूछने की बात रह गई, जो निर्विकारी है सदैव। जैसे पार्वती के लिए हमारे जान सदा शिव जोगी, ऐसे ही शिव की दृष्टि में पार्वती सदा योगिनी है। समान पुरुषार्थी होंगे तब ही विजय होगी, अगर पुरुषार्थी समान नहीं होंगे तो विजय नहीं होगी, प्रवृत्ति मार्ग पक्का नहीं बनेगा। प्रैक्टिकल में अंग संघ तो क्या योगी नहीं जो है? योगी नहीं जो आप बोला ना, तो वो कैसे अंग संघ? वो तो प्रवृत्ति मार्ग पक्का है ही नहीं, वो तो भाई बहन भाई भाई है, रुद्रमाला के मणके भाई भाई है, भाई बहन है, या ये पार्ट बजाने वाले हैं सिर्फ? ये सिर्फ पार्ट बजाया जा रहा है, जैसे कोई भाई लोग होते हैं, कोई साड़ी पहन लेता है और कोई घाघरा पहन लेता है, कोई फ्रॉक पहन लेता है, तो ऐसे पार्ट बजाए रहे हैं। सर क्यों खुजला रहे? अंग संग जो है, जितनी भी शक्तियां हैं वो सब अंग संग दिखाई जाती है। अगर अंग संग नहीं है तो 16,000 की लिस्ट में भी नहीं आ सकती। छोटी मम्मी आई थी 16,000? छोटी मम्मी? छोटी मम्मी जो है उसके साथ अंग तो नहीं रहता है। माना कोई ऐसा भी होगा जिसकी परीक्षा ना हो,
ऐसा कोई होगा? पहले से पवित्र परीक्षा होगी। वाह, पहले से पवित्र बाबा बता रहे। दुनिया कैसे मानेगी? दुनिया मानेगी? दुनिया प्रैक्टिकल को मानती है या सिर्फ मुख से बोलने को मानती है? प्रैक्टिकल को मानती है। बाबा ने मुझे में कई बार बोला कि सिर्फ हैवेस होगा, उनकी मुलाकात ही नहीं होगी। हाँ, जो अच्छे बनने वाले आत्मा है। हाँ, और नारायण। हाँ, तो हैवेस से एक दूसरे को ये याद करेंगे। हाँ, तो वो निश्चय बुद्धि होने के बाद की बात है या पहले की बात है? हाँ, फिर और मुरली में ऐसा है कि कभी नया मकान बनाना है तो पुराना मकान तोड़ना पड़ेगा। जरूरी नहीं है हम दूसरी जगह बांध सकते हैं। सुधर है मूल अर्थ से देखा जाए है दूसरी जगह नया मकान तैयार हो सकता है। और पुराने मकान को ही नया बनाना हो, रिजुविनेट करना हो तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यादगार रूप में नया कर सकते हैं, रिजुविनेट कर सकते हैं। यादगार रखने के लिए उसको रिनोवेट कर सकते हैं। क्या कैसे कर सकते हैं? पुराना मकान दुरुस्त करते हैं, मरम्मत करते हैं। मरम्मत बात अलग होती है, वो तो धर्म पिताओं ने आके मरम्मत की, नया मकान थोड़ी बना दिया। यहाँ तो पूरा ही मकान नया बनाना है। और मंद है उधर जिसका, उधर माने पेट, जिसका बुद्ध रूपी पेट मंद है, माना बुद्ध रूपी पेट में मनन चिंतन मंथन नहीं चलता है, उसको कहा जाता है मंदोदरी। और जिसके बुद्ध रूपी पेट में मनन चिंतन मंथन चलता है उसको मंदोदरी नहीं कहेंगे। रावण हो सकता है लेकिन मंदोदरी नहीं हो सकता। और एक एक बात को बार बार पूछा जा रहा है, वो सीढ़ियों को ध्यान से सुनते रहें तो ये टाइम वेस्ट नहीं होगा। जो नया ग्रह निकला है वो दसवां ग्रह माना जाता है। क्या पहले नवग्रह प्रसिद्ध थे और अब दसवां और निकला है? तो जो दसवां निकला है वो अभी तक गुप्त था, अब प्रत्यक्ष हो रहा है। तो इन ग्रहों का कनेक्शन धर्मों से है या नहीं है? हैं? जो दस धर्म हैं दुनिया के, जो झाड़ के चित्र में दस जड़ें दिखाई गई हैं, उनसे कनेक्टेड है। तो नौवां वो वास्तव में आर्य समाज है, और आर्य समाज में जो शिष्ट है वो ही शिष्ट दसवें ग्रह में भी है। कौन सी? नास्तिकता की। आज से 100-150 वर्ष के अंदर ही महर्षि दयानंद ने आकर के आर्य समाज की स्थापना की, और 100 वर्षों 150 वर्षों के अंदर ही लेनिन स्टालिन भी आए। नास्तिक धर्म। और जो भारतवर्ष है वो सात धर्मों का ओरिजिन है। कोई धर्म ऐसा है जो बीज बाप के अंदर मौजूद नहीं है? हर धर्म बीज बाप के अंदर मौजूद है। तो नौ तो अभी तक प्रत्यक्ष थे लेकिन दसवां अभी तक प्रत्यक्ष नहीं था। अभी सबको मालूम पड़ रहा है धीरे धीरे कि जिस भारत में बाप प्रत्यक्ष होते हैं वो भारत ही अंत में आकर के नास्तिक बन जाता है। आस्तिक माने किसी साकार के ऊपर आस्था रखने वाला, और नास्तिक माने जो दुनिया में कोई साकार के ऊपर आस्था नहीं रखता हो।
और शिवलिंग के साथ जो जलाधारी जलाधारी अरे गांव गांव में शहर शहर में शिव की यादगार दिखाई गई है, तो एक की ही यादगार चारों तरफ है या नंबरवार औरों की भी यादगार है? तुम शिव शक्तियां नहीं हो क्या? शिव एक है और शक्तियां अनेक है। हाँ नंबरवार हो सकते हैं, वो यादगार भी अलग अलग प्रकार की दिखाई गई है। जो नौ नाथ हैं, नौ गुरुद्वारे हैं, उनमें अलग अलग प्रकार के नाथों के जो मंदिर हैं, उनमें पिंडी अलग प्रकार की दिखाई गई और जलाधारी भी अलग प्रकार की दिखाई गई। कोई कम पुरुषार्थी और कोई जास्ती पुरुषार्थी। एक राधा दिखाई जाती है और बाकी सब पट्टरानी दिखाई जाती है। क्यों? एक पत्त में नहीं गिरती है, बाकी सब पत्त में गिर पड़ती है, माने पूरी विजय नहीं प्राप्त करती। और मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को पैसा नहीं देते हैं? मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को पैसा नहीं देते। क्या बड़ी बात हो गई है? मेरे साथ रहते हो और बुद्धि अपने अम्मा बाप के पास अपने घर में रखी रहती हो, तो उनको पहचानने वाला कहा जाएगा? उनको सन्मुख कहा जाएगा या विमुख कहा जाएगा? ऐसे ही है। हाँ अष्टदेव में जो धर्मराज का पार्ट बजाने के लिए जो निमित्त बनती है आत्मा साकार में, हाँ जी, उस आत्मा में ऐसी क्या शिफ्ट होती है जो धर्मराज का पार्ट बजाती है? जो धारणाओं का राजा होगा वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जैसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, उसको कोई थोड़ा आकर के समझाए और वो मोल्ड हो जाए तो उसको चीफ जस्टिस के पद पर रहना चाहिए? नहीं। तो ऐसे ही जो ईश्वरीय कायदे कानून पर बहुत स्ट्रिक्ट होकर के चलता हो वो ही उस पद का पार्ट का निर्वहन करने वाला बनेगा। बाबा धर्मराज जब डंडा मारेगा तो हिसाब जब देखेंगे ना, तो हिसाब पोता मेल दिया नहीं दिया इसके हिसाब से देखते हैं ना बाबा? ठीक है। तो वो आत्मा जो निमित्त बनती है उन्होंने भी अपना पोता मेल जो है बाकी जितने भी है अष्टदेव में से बाप को छोड़ के बाकी जितने भी देव है उनके मुकाबले उन्होंने अपना पोता मेल क्लियर दिया होगा, इसीलिए वो निमित्त बने। ठीक है। हाँ तो नहीं वही पूछना था, क्लियर करना था। हाँ अच्छा बाबा, देव आत्मा रहती है, देव आत्मा को दूसरे धर्म की आत्मा रूपा लेती है, देव आत्मा रहती है तो बाप का ही सहयोग लेती है, दूसरे धर्म की आत्मा को बाप का इतना सहयोग नहीं रहता है, वो अपने आप ही सब अपना उसी में जो भी कार्य है वो अपने आप ही सब कुछ करती है, वो अपनी मनमर्जी या उनकी गुरुओं की मत पे चल रही है। हाँ। जब भी देव आत्मा को बाप का सहयोग देने में भी उनका हाथ नहीं रहता है, वो उनके बारे में भी एकदम कुटम बनाकर बातें बनाकर बाप को उस देव आत्मा से विचलित करती है, तो बाप तो तीसरे नेत्र से उस आत्मा को देख रहा है कि ये मेरा बच्चा है। बाप तो कहते हैं मैं जानी जाना हार नहीं हूँ, मेरे को जितना लिख के दे दोगे उतना जानूंगा। तो साकार को लिख के देने का हाँ। मेरा साथ को जब लिखते हैं तभी उसको बोलने वाला कौन है? जो ये कौन बोलता है मैं जानी जाना हार नहीं हूँ, ये बोलने वाला कौन है?
साकार निराकार का मेल है ये अलग अलग है, दोनों का मेल है तो देना पड़ेगा ना। और सुधरेंगे कैसे, सुधरेंगे कैसे? जब तक डंडे ना बजे तब तक चोर अपनी चोरी को उगलता है, स्वीकार करता है। जो कड़क चोर होते हैं वो थोड़ी बहुत मार से नहीं बैठते, जब ज्यादा पिटाई होती है तो बोला हाँ बस 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 बस। सचखंड स्थापन करना है और अपने बच्चों के द्वारा ही सचखंड स्थापन करना है तो झूठे बच्चे स्वर्ग में जावेंगे क्या है? सच करना पड़े ना। तो धर्मराज का पाठ बीच में नुदा हुआ है। स्त्री के हृदय की गति को ब्रह्मा भी नहीं जाना, स्त्री के हृदय की गति में क्या होता है? स्त्री की हृदय गति को ब्रह्मा भी नहीं जाना, ये बात मनुष्यों ने लिखी है या भगवान ने लिखी है? मनुष्यों ने लिखी है तो मनुष्यों की बातों में क्यों जाते हो? है माना तुम्हारा मतलब ये है कि स्त्री अपना स्त्री जाति जो है वो अपना सच्चा पोता मेल नहीं दे सकती। वही बात सच्ची, दिल की बात न बताना, दिल की बात बताना माने दिल की गति को जानना, दिल की बात न बताना माने हृदय नहीं हृदय की गति को न जानना। पोता मेल लिखते देते हैं, अभी आप खुद भी पढ़ते हो? नहीं तो आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? जवाब दे रहा हूँ, सुनोगे? पढ़ेंगे बाद में, आप सुनेंगे, जवाब दे रहा हूँ। जो भी कचरा होता है उसको पोता मेल कहा जाता है, कहा जाता है या नहीं कहा जाता है? गंगा आदि नदियां हैं, उन नदियों में कचरा डाला जाता है, वो भी दो प्रकार की होती है। एक वो नदियां जो बाप से कनेक्शन रखे हुए हैं, क्या जिनका बाप से कनेक्शन है, जैसे हिमालय पहाड़ से नदियां निकलती है ना, तो हिमालय पहाड़ हो गया उनका बाप और नदियां हो गई उनकी बच्चियां। हिमालय राज है ना, पार्वती के बाप का नाम क्या था? हिमालय राज। तो जो नदियां उनकी सेज से आती हैं और बाप से जिनका कनेक्शन रहता है माने सूखती नहीं है, क्या बाप का जल उनमें बहता रहता है। तो ऐसी जो नदियां हैं उनमें कचरा डाला जाता है, तो कचरे में जो दिखती है कि कुछ ऐसा सामान्य सा कचरा है, गहरा नहीं है, तो किनारे पर छोड़ती है। और जो गहरा कचरा होता है वो कहां जाता है? सागर में जाता है। तो ये प्रैक्टिकल बात है, गलत बात है या सही बात है? सही बात है, अब बताइए। नहीं नहीं, हमारा कहने का मतलब ये था कि अगर बाप अगर पोता मेल पढ़ता है कि उनके तो वो बताया ना, सागर में रहने वाले सागर में सारा कचरा जाता है या कुछ नदियां इधर उधर किनारे पर छोड़ती हैं? हैं? छोड़ती भी है किनारे पर, और सब नदियों में कचरा नहीं डाला जाता, उन्हीं नदियों में कचरा डाला जाता है जो बाप से कनेक्टेड है। बाप जानता है सिस्टम कनेक्शन या फोन का कनेक्शन, वो भी कनेक्शन है, आत्मा का कनेक्शन तो कनेक्शन ही है। तो सिस्टम कनेक्शन रखना ठीक है या फोन का कनेक्शन रखना? तो सूक्ष्म में पोता मेल देना अच्छा है या नहीं अच्छा है? अच्छा है ना। हाँ तो सूक्ष्म अच्छा है ना, लेके देना अच्छा है ना। तो ये स्थूल है कि सूक्ष्म है? वो स्थूल हो गई ना, लिख के देना, ये स्थूल कनेक्शन हुआ ना, तो ऐसे ही वो भी है। हाँ। कोई न कोई तो लफड़ा है जो लफड़ा पैदा करता है।
जी वो क्रिएशन क्रिएशन है ना, हाँ नदियाँ क्रिएशन है, बाप क्रिएटर है, फिर आपने कहा ना कि ड्रामा बना बनाया हुआ है, अब कछु बननी नहीं है, ये आपने बताया, तो हमने क्या बताया, वो तो सब जानते हैं कि 63 जन्मों में जो कर्म हमने किए हैं वो ही हमारे सामने आवेंगे। न बाप ने ड्रामा बनाया, न कोई दूसरे ने ड्रामा बनाया, हमारा ड्रामा किसने बनाया, हमने खुद बनाया। अभी भी हमारा ड्रामा कौन बना रहा है, हमारा ड्रामा हम ही बना रहे हैं। शंकर जिसकी याद में लौडिंग रहते हैं, हैं? शंकर जिसकी याद में लौडिंग रहते हैं, हैं? वो क्यों असरता है, असुरता है, हैं? बाबा कहते मैं कर्म कराम हार हूँ, कैसे असरता बोला साकार में आकर के, कर्म कराम है तो बाबा है ब्रह्मा द्वारा करवाते हैं, असरता कैसे बोला, साकार में आकर के करता है, अकर्ता बनता है, जब तक साकार में नहीं आता है तब तक अकर्ता है, और साकार में आने के बावजूद भी जब संपन्न स्टेज होती है तो कर्म क्या बन जाते हैं, अकर्म बन जाते हैं, तब वो अकर्ता पक्का साबित हो जाता है, साकार में होते हुए भी अकर्ता साबित होता है, कर्म किया किया न किया, कर्म इंद्रियों का कोई असर नहीं हुआ संग रहने से भी। बाबा एक और बात थी कि अगर एक बाप से जुटा हुआ रहेगा तो आपको जहाँ जाना होगा तो उस स्थान पर आप पहुँच जाएंगे, अगर एक बाप से पहले जुटा हुआ रहेगा आपने कहा था कि और अगर बाप बच्चे ने बाप को पहचान लिया है कि यही मेरा बाप है, अगर पहचान लिया तब ना, पहचान लिया है और बाप उसको अर्जुन ने आखिरी श्लोक में कहा करिष्ये वचनम तब, मुझे जो जानना था वो मैंने जान लिया, तेरे रूप को जो समझना था वो मैंने समझ लिया, अब मैं क्या करूँगा, मैं तेरी बात मानूंगा, तो कहेंगे निश्चय बुद्धि, अगर बात न माने तो क्या कहेंगे, जान लिया या नहीं जान लिया, मैं जो हूँ जैसा हूँ और जिस रूप में पाठ बजाता हूँ उस रूप को मेरे साथ रहने वाले भी नहीं जानते, ये बच्चे नहीं वो जानते, अगर मगर क्या हाँ हैं, बहुत तंग करेंगे, ये बोला मुरली में बहुत ज्यादा तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा, वो तो लौकिक बाप भी ऐसे ही कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, हाँ ये तो साकर बाप ने कहा ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो किसके लिए खास कहा है, किसके तंग करने से तंग होता है वो, धर्मराज कौन है, धर्मराज कौन सी आत्मा है, ब्रह्मा की जो तंग होने वाली आत्मा है वही तंग होके बोलेगी, और बाबा लेकिन ब्रह्मा की सोल जो है स्थापनाकारी में निमित्त होते हैं ना, वो तो सतो प्रधान स्टेज में पार्ट बजाती है तब ना, कि तमो प्रधान बनती है तब भी, अरे हर आत्मा की चार स्टेजेस होती है ना सूती पीरियड में, उस समय जब शिव सुप्रीम सोल ने उसमें प्रवेश किया था ब्रह्मा में, अभी की ये पॉइंट है ना बाबा, ब्रह्मा बाबा ने कहा था उस समय उनको क्या तंग हुआ था, बोला भविष्य की बात, उस समय की बात नहीं बोले, उस समय ज्यादा तंग करने वाले बच्चे नहीं थे, उस समय तो चैन की बंसी बजा करके जिंदगी बिता दी, नहीं लेकिन ब्रह्मा बाबा को तो आगे की क्या अभी की नहीं पता ना, ब्रह्मा बाबा जब उस समय थे तो उनको तो आगे के पीछे का कुछ पता नहीं था ना, तो उन्होंने उस समय जो इस्तेमाल किया वो वाक्य, तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा, तो बच्चों को दरपाया भी जाता है ना, तो उनके साथ जो बच्चे थे उनको धमकाई दिया कि तुम ठीक से जलो, धमका नहीं सकता ब्रह्मा, नहीं धमका सकता, लेकिन उस समय सात्विक स्टेज थी,
और वही साक्ष्य की तेज फिर तामसी बनती है। तो जिन बच्चों ने दुख दिया है, सगुना पाप का बोझा चढ़ाया है, वो कब पूरा करेंगे सतयुग में? वो पूरा कब करेंगे है? सतयुग में ही पूरा करेंगे या संगम युग में ही पूरा करेंगे? संगम युग में पूरा करते हैं। अगर नहीं पहचान लिया तो बाप को पहचान लिया है। अगर नहीं पहचान लिया, नहीं अगर नहीं पहचान लिया अगर नहीं पहचान लिया तो मगरमच्छ के पेट में जाएगा। नहीं जाना है ना मगरमच्छ। आपकी बात कहाँ हो रही है, बच्चे की बात हो रही है। अगर और मगर है तो एक तरह का भूत होता है। भूत उसे कहते हैं, भूत उसे कहते हैं जो भगवान की बात नहीं मानता है। भगवान एक बात करे और भूत दूसरी बात करेगा। और भूतों की दुनिया है तो जब तक भूतों की दुनिया है वो तो अपना काम करेंगे, लड़ाई चल रही है। ये भूतों की और भगवान की लड़ाई चल रही है। भूत भगवान के बच्चों में प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करके मनमानी भाषा बुलवाते हैं, मनमाना काम कराते हैं। होना चाहिए जो भगवान ने बोला वो ही बात मानना। भगवान तो उसके आगे वो सच्चा बन जाता है, गॉड फादर इज वन, गॉड फादर इज ट्रूथ। तो फिर वो तो अपने आप को ट्रूथ बना के रखेगा, बच्चों को तो फिर वो तो झूठा बना के रखेगा। अगर बच्चे सच्चे होंगे फिर भी भगवान झूठा सच्चा बनाता है। किसी बच्चे को झूठा बना देता है, किसी बच्चे को सच्चा बना देता है, हैं? ऐसा है? भगवान तो सारी दुनिया को सच्चे खंडे ही बनाता है। ये तो इल्जाम लगाना हो गया कि भगवान झूठा बनाता है, हैं? देखो 63 जन्म ग्लानी करते करते नहीं थके, अभी आखिरी जन्म में भी ग्लानी कर दी। भगवान झूठा बनाता है। है बात नहीं मानते। हाँ जी है, है? मूर्ति में तीन मूर्तियाँ मूर्तियाँ हाँ कौन से कौन से वंश के बीज कौन कौन से वंश के हैं? एक विष्णु वंश का है, एक शिव वंश का है, एक ब्रह्मा वंश का है। इसे क्या नई बात पूछ ली आपने? हाँ तीन वंश के हैं, तीन तरह के हैं। हाँ विष्णु को चंद्रवंश नहीं कहेंगे, हैं? हाँ जो विष्णु को चंद्रवंश नहीं कह सकते, विष्णु को सूर्यवंश और चंद्रवंश का मेल कहेंगे। और ब्रह्मा, ब्रह्मा सिर्फ चंद्र है, सूर्य नहीं है, जस्ट अपोजिट है। और माउंट आबू तो आबू अब्बा का साकार घर है ना, जो निराकार घर है उसमें सब आत्माओं को जाना है या नहीं जाना है? तो साकार घर में नहीं जाना है। जो निराकार में जाना है सब बच्चों को, तो साकार में भी तुम बच्चे परमधाम को, आबू अब्बा के घर को इस सच्ची पर उतार लेंगे,
तो जो उतारेंगे वो ही तो जाएंगे, उनमें से आधे जाएं आधे न जाएं, ये कैसे हो सकता है? और बाबा, हाँ बाबा जी, मुरली में बोले जितने भी युग होते हैं, है? जितने भी युग है, हर दो युग के बीच एक संगम होता है, उसमें सबसे श्रेष्ठ संगम है कलयुग और सतयुग के बीच। तो सतयुग और त्रेतायुग के बीच का जो संगम होता है बाबा, तो वहाँ पर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी का संगम होता है ना, सूर्यवंशी, तो वहाँ पर तो वंश दो हो गए, तो द्वैतता वहाँ से हो जाती है ना शुरू। द्वैतवाद नहीं शुरू होता है, क्योंकि सतयुग के आदि से ही दोनों प्रकार की आत्माएं मिक्स होकर के एक सूर्यवंश बन जाता है। माना जो चंद्रवंशी हैं वो अपने को झुका देते हैं, चंद्रवंशियों में एक ऐसा ग्रुप है जो सूर्य के सामने अपने को सरेंडर कर देता है। और त्रेता युग में आकर क्या होता है? त्रेता युग में आते हैं, हाँ? तो बाहर आ जाते हैं ना। क्या बाहर आ जाते हैं? वो जो सरेंडर हो गए थे जो सूर्यवंशी के अंडर में, जो सत्युग वाले सरेंडर नहीं हुए थे वो सरेंडर हो जाते। नहीं नहीं, जो सतयुग वाले सरेंडर नहीं हुए थे वो त्रेता युग में आकर के नीचे नहीं गिरते। चंद्रवंश का मतलब ही है फेलियर। कोई दुनिया की ऐसी आत्मा नहीं है जो सतयुग में जन्म लेती रहे और त्रेता में आके चंद्रवंशी न बने। माने माया किसी को छोड़ती नहीं है। तो माना उधर जो नाम पड़ता है ना चंद्रवंश बाबा त्रेता युग में, हाँ? तो वो वंश किस आधार पे नाम पड़ता है? कला कम हो जाने की वजह से, कला कम होने के आधार पे नाम पड़ता है, हाँ? यहाँ कला कम होने की शूटिंग होती है ना। हाँ बाबा, सत्य में सत्य सत्य रहता है, है? सत्य में सत्य रहता है, सत्य में सत्य में सत्य रहता है, सत्य रहता है, हाँ जी। त्रेता में क्या रहता है पता नहीं, द्वापर में द्वापर में द्वैत और कलयुग में कलह। त्रेता का सतयुग में सत्य की गुंजाइश ज्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ दो कलाएं भी पूरी कम नहीं होती, और जब दो कलाएं कम हो जाती हैं तो जैसे झूठ मिल गया। माना जो सिल्वर है जो चांदी है वो मिक्स हो गई, इसलिए उसको कहा जाता है चंद्रवंश। नाम कैसे पड़ा? त्रेता नाम इसलिए पड़ा कि कृष्ण जैसी जो आत्माएं हैं वो वहां जाकर के 13 जन्म लेती हैं, इसलिए त्रेता युग नाम पड़ता है। और बाबा, सच की नैया हिलेगी डूलेगी पर डूबेगी नहीं, बिल्कुल, ये किसके लिए कहा है? सत्य की नैया के लिए कहा। वो कौन है बाबा? जिसका आधार लिया हो फाउंडेशन के तीर में। लेकिन वो आज सत्य के साथ है या झूठ के साथ है? देखो, कभी कभी ऐसा दिखाई पड़ता है कि सत्य के साथ नहीं है, झूठ के साथ है, लेकिन जब रिजल्ट निकलता है तो पता चलता है अरे ये तो सत्य के साथ है। देखो चित्र दिखाया हुआ है महाकाली का, महाकाली का जो चित्र है उसने पांव रखा हुआ है किसके ऊपर? जगत पिता के ऊपर, महाकाल के ऊपर। चित्र तो दिखाया हुआ है लेकिन उस चित्र में मस्तक के ऊपर कौन रखा हुआ है तो कोई नहीं देखता। उसमें याद किसकी समाई हुई है वो कोई देखता ही नहीं उस चित्र को। जो पुराने चित्र है महाकाली के उसमें देखो ध्यान से, उसमें शंकर की मूर्ति बनी हुई है। इससे साबित होता है अंदर कुछ और बाहर कुछ और। दीदी हूँ नार हृदय गति जानी। लेकिन इससे उपयोग क्या है बाबा? इससे उपयोग ये है कि माला तैयार होनी है। असुर कौन है? वो प्रत्यक्ष होने हैं। लेकिन खुद का जो है राजाओं की मालाओं में सबसे आखिरी मन का प्राप्त करना 108वां नंबर, हाँ, वो भी बाप का काम करके दिखाता है, इसलिए बाप के ज्यादा नजदीक है और मन के नजदीक नहीं है। लेकिन वो लड़का बाप के उतना ही नजदीक है जितना पहला मड़का।
बाबा, लेकिन सूर्यवंशी बाप जो बताता है वो श्रीमत के आधार पे चलना है, और दूसरी बात है श्रीमत के विपरीत चलना। एक होता है लेफ्ट हैंड और एक होता है राइट हैंड। राइट हैंड राइटियस काम करके सहयोगी बनेगा, और लेफ्ट हैंड लेफ्टिस्ट का कार्य करके सहयोगी बनेगा। गीता पति भगवान तो कृष्ण को ही मानती है ना, तो झूठ हो गई कि सच हो गई? झूठी गीता पति भगवान तब तक कृष्ण को मानती है जब तक कृष्ण की आत्मा चेंज नहीं होती है। कृष्ण की आत्मा जब चेंज हो जाएगी तो उसको भी चेंज होना पड़े, माना तब तक तो झूठ की नहीं होगी। झूठ की नैया और सच की नैया लास्ट में झूठ और सच प्रत्यक्ष होता है जब फैसला कोर्ट में हो जाता है या पहले ही प्रत्यक्ष हो जाता है। बुद्धि में तो पहले ही होता है ना, लेकिन बाबा नहीं, सत्य और झूठ का क्लैरिफिकेशन कोई नहीं कर सकता। सत्य क्या है 100% और झूठ क्या है 100% वो सिर्फ एक बाप ही आकर के बताता है। रावण कौन है और राम कौन है ये बाप ही आकर के बताता है। राक्षसी पार्ट किसका है और देवताई पार्ट किसका है, ये चेहरे अभी प्रत्यक्ष होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है, अभी सब अपने को अच्छा अच्छा कहेंगे। लेकिन मुरली में तो बता दिया ना बड़े से बड़ा शैतान कौन। हाँ, उसके बाद भी उस शैतान को अगर गीतापति भगवान मानेंगे हाँ। सच की नैया नहीं हो गई, झूठ की नैया हो गई, और जब सच की नैया होती है तो हिलने डुलने की बात ही नहीं आती। सच्ची नहीं होती है कहाँ, अभी सच्ची नहीं है। हाँ तो वही तो बात है ना, तो झूठ की नहीं हो गई ना बाबा। हाँ, है अभी है, अभी है। किसकी नजरों में? उनकी नजरों में जो काम लेना चाहते हैं जानते हैं, लेकिन काम लेने के बाद जब काम निकल जाता है थू करके फेंक देते हैं, उनकी नजरों में। भगवान की नजरों में नहीं, भगवान एहसान फरामोश नहीं है। भगवान का जो पार्ट है उसको ऊंचा कहा जाता है, वो ऐसा ऊंचा पार्ट है कि अगर किसी ने थोड़ा भी सहयोग दिया है तो उस आत्मा का उद्धार करने के लिए बांधा हुआ है। इसलिए दिल्ली वालों के लिए खास कहा हुआ है कि दिल्ली वालों ने, दिल्ली खास करके दिल्ली की माताओं ने स्थापना के आदि में बहुत सहयोग दिया है, इसलिए बाप आदि से अंत तक उनका सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है। प्रश्न ये नहीं था बाबा, प्रश्न ये है कि जगदम्बा फल बाप की नजरों में है वो ऊंची, लेकिन जो आज बात आती है सच की नैया ना, तो जो सच की नैया हिलेगी डूलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, तो वास्तव में आज जो है बच्चों की नजरों में सही, झूठ की नैया वो नजर आ रही है लेकिन बाप की नजर में वो सच्ची है। तो हिलना तो बाप की नजरों में जो सच्चा है वो सच्चा है, लेकिन फिर हिलने डुलने की बात क्या आती है? हिलने डुलने बच्चे हिलाते हैं, माया भी बच्चे हैं जो पति पति बन करके बैठते हैं वही तो हिलाते हैं। ये तो आज की दुनिया की बात है, सत्युग त्रेता की बात नहीं है, जानवरों की दुनिया है ये, जहाँ बच्चे जो हैं माँ के खसम बन के बैठ जाते हैं। हाँ, माँ का देखा शेरे को भी कपड़ा काला भी करते हैं, इस्लाम में फूल कपड़ा काला भी करते हैं, इस्लाम धर्म में फूल कपड़ा काला भी, कौन से धर्म? इस्लाम धर्म। महाकाली का शेरों के कपड़ा काला देखा था। जो महाकाली है जगदम्बा का पार्ट है, जगदम्बा महाकाली बनती है, तो पहले पहले कौन से धर्म से प्रभावित होती है? हैं? जिन बच्चों से प्रभावित होती है, विधर्मी बच्चों से, उनमें पहला पहला सशक्त बच्चा कौन सा है? इस्लाम धर्म। माँ के द्वारा जो गरीबों की दुनिया स्थापन की वो भूतों की दुनिया स्थापन की ना, माँ के द्वारा जो दुनिया स्थापन की एडवांस नॉलेज पहले वो भूतों की दुनिया स्थापन की ना। रुद्रमाला के मर के बिच्छू टिंडन नहीं होते हैं क्या? है? होते हैं, लेकिन वो बच्चे ही तो बाप की बात को समझते हैं और बाप को समझते हैं। जो बच्चे बाप को पहचानते हैं वो ही तो बाप का काम पूरा करेंगे, बल भी छूट नहीं। बाप का काम क्या है? जो दुखदाई है उनको क्या बनाए, सुखदाई बनाएगा।